मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, शान हो तो सल्लू मियां जैसी, पसलियां टूटी पड़ी है, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सल्लू भैया मतलब शूट करने से बाज नहीं आ रहे। भाई सिकंदर की फुल ऑन तैयारियां चल रही है ताकि ईद पर हमारे लिए ईदी लेकर आ सके, और अब तो उन्होंने अपना दबंग वाला फॉर्मूला भी क्रैक कर लिया सिकंदर के लिए। क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता ये फॉर्मूला जो वो सिकंदर पर अप्लाई करने वाले हैं? टेंशन नॉट, सुहानी है यहाँ पे, बताएगी आपको। अभी अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर जानना चाहते हो सिकंदर को हिट कराने के लिए सल्लू भैया ने क्या फॉर्मूला निकाला है। हाय गाइस, मैं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी चैट। कल देखो भैया, अगर तुम सल्लू भैया के फैन हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि सल्लू भैया के फिल्मों में एक गाना होता है जो सलमान की फिल्मों को हिट बनाने के लिए काफी होता है, जैसे तेरे मस्त मस्त दोने हमका पीनी है, जैसे डांस नंबर के भी कुछ गाने होते हैं। इन गानों को साजिद वाजिद ने कंपोज किया है, और इस बार सिकंदर के लिए भी यही काम हो रहा है, और ये सब काम कर रहे हैं प्रीतम। इन गानों को शूटिंग करने की बस देरी है, और सिकंदर का यही दबंग फॉर्मूला है। और मैंने तो ये भी सुना है भैया, इन दोनों गानों को प्रमोशन के लिए भी यूज किया जाएगा, यही मेकर्स की स्ट्रेटजी है। इन दोनों गानों को यूरोप में शूट किया जाएगा, अब इनकी शूट के लिए तैयारियां चल रही है, रेकी की जा रही है, लोकेशन फाइनलाइज की जाएगी, डायरेक्टर मुर्गादास कोई जल्दी नहीं करना चाहते, और प्रीतम मिलकर सलमान के साथ इन गानों को बढ़िया से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वो सलमान और साजिद के साथ मिलकर किक के गाने शूट कर चुके हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से चले थे। जरा एक गाने की झलक तुम भी सुन लो। हर शाम बेबे तेरे ही नाम बेबे। वैसे सल्लू भैया एडवाइस है, ले लीजिएगा। मैं तो कह रही हूँ कि आपको जैसे दबंग में आपका मुन्नी बदनाम था ना, वैसे ये गाना इसमें भी डाल देना चाहिए। ट्रेंड है आजकल, समझिए कमर्शियल फिल्मों में ना एक गाना इस टाइप का होता ही है। स्त्री में वो लास्ट वाला गाना याद है तुम्हें, या ये वाला आँखों से लीजिए। हाँ, इसी टाइप के गाने भी होते हैं। अभी भाभी 2 का भी एक गाना आया था थोड़ा टाइम पहले। सोशल मीडिया पर आजकल ये गाने खूब चलते हैं। पिक्चरें आधी हिट तो सोशल मीडिया की वजह से हो जाती हैं, क्योंकि रीलें बनती हैं, लोग इन पे नाच नाच के गाने को हिट करा देते हैं और मूवी का नाम वैसे ही हो जाता है। तो भैया सल्लू भैया अगर ये अपना दबंग फॉर्मूला यहाँ अपना लेते हैं ना, तो सिकंदर मूवी को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से शिद्दत से लगे हुए ना भाई, चोट लगी हुई है पसलियों में, और जिस बुढ़ापे में इतने बढ़िया तरीके से थिरक रहे हैं ना सल्लू भैया, सलाम है सल्लू भैया, आपको एंटरटेन कर रहे हैं आप दुनिया को, सच बता रही हूँ मैं, सलाम है आप। बाकी यार ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सिकंदर हिट हो सकती है अगर ये दबंग फॉर्मूला काम कर सकता है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि भैया यहाँ पर एक पुष्पा फॉर्मूला भी अपना लेना चाहिए, क्योंकि रश्मिका मंदाना फिल्म में है तो उनका एक पुष्पा वाला जो आइटम सॉन्ग है ना, वो वाला भी रखवा लेना चाहिए। अगर रश्मिका मंदाना पुष्पा में वो सारी चीज़ें करके हिट हो रही है, तो यहाँ पर सल्लू भैया को उनका एक डांस नंबर तो रखवा लेना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वाला फैक्टर ऐड ऑन हो जाता है तो एक अलग ही टाइप का तड़का लग जाएगा। देखो भाई, एक टाइम था जब सल्लू भैया की फिल्में हिट नहीं हो रही थी, टाइगर 3 ने भी उतना पैसा नहीं छापा जितना भैया उम्मीद कर रहे थे। अब उम्मीद की जा सकती है तो सिर्फ सिकंदर से। सिकंदर ही वो मूवी है जो भैया को बूढ़ा होने से रोक सकती है। वैसे कुछ दिनों पहले भैया का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें से सोफे पे से वो उठ नहीं पा रहे थे, जब से लोग कह रहे हैं कि भैया आप बूढ़े हो चले हैं, फिल्में प्रोड्यूस करनी चाहिए, हीरो बना छोड़ देना चाहिए। बाकी तुम बताओ तुम्हें सिकंदर का कितना वेट है? मुझे तो बड़ा वेट है, मैं देखना चाहती हूँ कि भैया इससे उठेंगे या और गिर जाएंगे। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी चैट कर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।